नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है फिर से आप सब लोगों का मेरे इस चैनल में। ये वीडियो कल दिन का है, स्कूल से आ गए थे और इन दोनों अपना खाना वाना खा लिए थे, थोड़ा बहुत टीवी देख ले रहे हैं। तो इन दोनों वही अपना जो वीडियो इन दोनों किए थे वही ढूंढ के देख रहे हैं, हम दोनों क्या कर रहे थे वीडियो में, वही देख के इन दोनों हंस रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। देखो मैं क्या कर रही थी करके ऐसे ही करते हैं इन दोनों, थोड़ा सा स्वीट कर दो तो वही मज़ा लेते हैं और वही इन दोनों को अच्छा लगता है। तो आज मैंने सुबह का ऐसे कुछ भी वीडियो वगैरह नहीं बनाया, बनाऊंगी शूट करूंगी सोच रही थी लेकिन टाइम ही नहीं हो पाया। कल ऐसे बस दिन में यही वाला वीडियो बनाता, फिर उसके बाद जो है हम लोग शाम को ही मिलेंगे आप सबसे, शाम को ही हमारा वीडियो वगैरह जो कुछ भी बनेगा तो बनेगा। इन दोनों अपना टीवी वगैरह देख के थोड़ा सा आराम भी कर लिए थे और फिर इन दोनों उठने के बाद अपना काम सब थोड़ा सा कर लिए थे, उसके बाद जो है भूख लग रही है कर रहे थे। तो अंडा इतना दिन नहीं बन रहा था, सावन चल रहा था करके, तो यहाँ पर जो है अंडा फ्राई कर दिया है, अंडा लेके आए थे ऐसे, और दही रोटी कर दिया है और दाल खाएंगे बोल रहे थे तो दाल मैं दे दूँगी इन दोनों को। ऐसे सावन हम मनाते तो नहीं हैं, जब पहले मम्मी जी थी ना तब हम मनाते थे, तो इस वजह से ऐसे सावन में नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो है इन दोनों को मैंने दे दिया है सब्जी रोटी, और बड़ा बड़ा रोटी इन दोनों के लिए बनाया है, एक एक रोटी बनाया है। कभी कभार जो है दोबारा मांगते हैं लेकिन फिनिश नहीं करते हैं, बचा देते हैं। तो थोड़ा सा मैं बड़ा बड़ा साइज़ बना रखी हूँ, एक एक रोटी कर दिया है दोनों के लिए। और इन दोनों को ऐसे ज़्यादा फ्राई वाला अंडा पसंद है, बॉयल वाला भी कभी कभार देते हैं नमक वगैरह लगा के, थोड़ा चटपटा करके चाट मसाला वगैरह डाल के। इन दोनों बस वाइट वाला खाते हैं, येल्लो वाला नहीं खाते ऐसे। और फिर मैं मिल रही हूँ आज सुबह आप सब लोगों से, ये सुबह का ब्लॉग है। सुबह जो है जो कुछ भी मैंने बनाया था आज, मैंने बनाया ऐसे अंडा करी, रेसिपी वगैरह मैंने शेयर नहीं किया। और इस बीच जो है अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है आप सब लोगों को, क्योंकि अभी जो है बादल छा रहे हैं, बारिश आने वाली ये लग रहा है। अभी मैंने लाइट नहीं जलाया है, ऐसे बिना लाइट के सही लगता है, ज़्यादा ही कुछ अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था। तो सर ही चले गए हैं, बच्चों को भी भेज दिया है स्कूल और हस्बैंड जी भी निकल गए हैं अपना ऑफिस के लिए। तो इधर मैं सीधा जो है आप लोगों से काम के टाइम पर ही मिलूंगी, यहाँ थोड़ा सा मैं सफाई कर दूंगी। और दिन में जो है रोशनी से मुझे अच्छा लगता है, ऐसे लाइट वगैरह जलाने का मन नहीं होता है, और इन लोगों को मन होता है लाइट भी जला के रखो और पूरा विंडो वगैरह जो है कवर कर दो, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता दिन में ऐसे। रात में तो ऐसे चलो कोई बात नहीं, रात में तो जलाना पड़ता ही है लाइट, और विंडो वगैरह जो है कवर करना ही ठीक होता है। लेकिन सुबह के टाइम भी इन लोग ऐसे ही करते हैं, कर्टन वगैरह लगा देते हैं, बल्कि सुबह सुबह और अच्छा सा लगता है, ताज़ी हवा आती है, ठंडी ठंडी से लगती है, बिना पंखे के भी सुबह के टाइम पर अच्छा लगता है। तो इसलिए जो है मैं उठते साथ ही विंडो वगैरह खोल देती हूँ, मतलब कर्टन हटा देती हूँ, जाली लगा है उसको तो मैं खोलती नहीं हूँ, दरवाज़ा वगैरह सुबह ही मैं खोल देती हूँ, अच्छा लगता है सुबह सुबह ताज़ी ताज़ी हवा के साथ। तो यहाँ पर मैं ये एसी साफ़ कर दे रही हूँ, यहाँ जो पतले पतले से तार जैसे लगे हैं, जाली जैसे तार नहीं, तो उसमें ना कपड़ा तो अंदर नहीं जा रहा है, ब्रश वगैरह से मैंने नहीं किया, कपड़ा ही थोड़ा बहुत गीला किया था, जितना अंदर जाएगा चोट जैसे बना के अंदर कर ले रही हूँ, फिर उससे साफ़ हो रहा है। ये आप देख सकते हैं सही साफ़ हो रहा था, ऐसे गंदा भी सही निकल रहा था, इसमें डस्ट चिपक गया है ऐसे। तो यहाँ थोड़ा सा मैं साफ़ कर दे रही हूँ, कल परसों जो है मैंने यहाँ साफ़ नहीं किया था, जल्दबाजी भी हो रही थी तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, चलो कोई नहीं कल परसों साफ़ करेंगे करके। फिर इसके बाद जो है टीवी के यहाँ भी मैंने साफ़ कर दिया था, टीवी के यहाँ भी वायर वगैरह जो है इधर उधर हटा हटा के करना होता है, तो मैं ऐसे डेली करती हूँ तो थोड़ा बहुत सामने सामने ही करती हूँ, जहाँ सामने साफ़ होता है आसानी से, हटा हटा के नहीं करती थी। तो आज मैंने सारा ही हटा हटा के साफ़ कर दिया है, तार वगैरह टीवी के पीछे जो लगा होता है ना तार, जो भी वायर होता है वो सब सारा ही मैंने हटा हटा के कर लिया था, पूरा एकदम धूल मिट्टी सा चिपक गया था, तो इसमें मेरा टाइम लग रहा था ऐसे साफ़ करने में।
आज ऐसे सबके लिए मैंने अंडा करी कर दिया था, बच्चों के लिए भी और हस्बैंड जी के लिए भी। ग्रेवी वाला नहीं किया है, रोटी के साथ खाने लायक किया है। और दिन में भी थोड़ा बहुत इसी से हो जाएगा, दाल वगैरह कल रात का है उसी से हम खा लेंगे। तो यहाँ पर मेरा साफ़ सफाई हो गया है ये सब। और उसके बाद जो है ये वायर साफ कर दे रही हूँ, ये ऐसे केबल तार है, कम से कम साल भर तो शायद हो रहा है, केबल मतलब खोल दिए हैं, अभी वाईफाई कनेक्शन हो गया है तो केबल यूज नहीं हो रहा था। तो ये वाला रस्सी बांधेंगे सोच रहे हैं कपड़े सुखाने के लिए, तो जब मेरा भाई आया था तभी हमने खोल दिया था, अकेले फिर नहीं हो पाएगा करके जब भाई था तभी हमने खोल लिया था। तो ये वाला वायर कल परसों निकाल दिए थे, दीवार में लगा हुआ था या वहाँ चिपका हुआ था। तो मैं सोच रही थी ये जल्दी नहीं निकलेगा, टाइम लगेगा निकालने में, लेकिन थोड़ा सा पकड़ते ही निकल गया। वो हुक सा लगा रहता है ना दीवार में सपोर्ट के लिए, हस्बैंड जी ने निकाल दिया था संडे के दिन। तो इसको साफ़ कर दो अच्छे से पहुँच के, फिर उसके बाद कल परसों देखते हैं तो रस्सी बांध देंगे। सोच रहे हैं कैसे बांध देंगे वो नहीं पता, रुको देखते हैं। ऐसे बंद तो जाएगा शायद, इतना टाइट भी नहीं है तार, बस मोटा है और मजबूत भी है। थोड़ा सा इसमें दाग वगैरह होता है ना, डस्ट वगैरह वो सब चिपक गया है, और कबूतर वगैरह ऊपर बैठते हैं तो उन सब ने भी गंदा कर रखा था इसमें, और जो वो होता है ना टावर छतरी उसमें भी कर रखे थे गंदा, वो तो ऐसे ऐसे रखा हुआ है, साफ़ नहीं किया है, उसको भी साफ़ करके रख देंगे। नीचे ही रखा है, ऐसे लेके आ गए थे। रस्सी सब भी जो है मेरे सारे टूटे फूटे हो रहे हैं, जब भी मैं कपड़ा सुखाती हूँ कभी कभार निकल ही जाता है ऐसे, तो मैं पूरा ही चेंज करूँगी सोच रही हूँ। रस्सी भी ऐसे नहीं लाए हैं, ये तार है करके, केबल तार है करके, रस्सी भी नहीं लाए हैं, तो मतलब पूरा ही हटा के इसको ही बांध देंगे सोच रहे हैं। और ये रहा मैंने यहाँ सारा हटा हटा के साफ़ कर लिया है, ये बुक्स वगैरह भी सारा ही हटाया। टीवी को तो मैंने ऐसे ही रहने दिया है, बस नीचे से साफ़ कर लिया था। यहाँ ये हैंगर वाला भी साफ़ कर दिया था, और ऊपर जहाँ पोर्ट रखा है ग्रीन वाला वहाँ भी साफ़ कर लिया था। कुछ दिन मतलब 2-3 दिन ना करो उसमें ही बहुत ज़्यादा जल्दी गंदा सा लगता है, मतलब कितना दिन से नहीं किया है जैसे लगता है। और इसी बीच जो है बारिश हो रही है, ये आप देख सकते हैं, और कुछ कुछ पौधे जो हैं पत्ते येल्लो हो रहे हैं और ऐसे ग्रीन वाला फिर से निकल रहे हैं। और जमाजम तो नहीं बोलूँगी, थोड़ा बहुत ऐसे तेज बारिश हो रहा है ऐसे। रेसिपी के बिना तो मेरी वीडियो जो है अधूरी है, थोड़ा सा मैं आप सब लोगों को दिखा दे रही हूँ मैंने अंडा करी कैसे बनाया था। सूखा बनाया था, पहले अंडा सबको मैंने फ्राई कर लिया था, उसके बाद मसाला अच्छे से बना लिया था, प्याज टमाटर वगैरह डाल के, लहसुन अदरक वगैरह ये रहा इसी तरीके का बना था। बारिश जो है अभी तक हो रही है, बच्चों को ऐसे ही लेने जाना पड़ेगा छतरी लेके, और थोड़ा बहुत पानी भी भर गया है, थोड़ा तेज़ से ही बारिश हो रही है। और वीडियो यहीं तक का था फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें मेरे चैनल पर। अगर कोई भी नए आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।